हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचवी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। देखिए, आज हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंस पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, जो अक्सर ही अपने डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस का हम लोग प्रयोग कर ही देते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के और बहुत सारा वीडियो बनाता रहूं। देखिए, स्ट्रक्चर है नथिंग कैन बी, नथिंग कैन बी, उसके बाद में ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, नथिंग कैन बी, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ऑफ अदर वर्ड जो भी होगा इसको जोड़ देना है। जैसे कि एग्जाम्पल पहला दिया है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे दोस्तों का कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो उनका अब कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो उनका अब कुछ नहीं हो सकता, इस फोन का अब कुछ नहीं हो सकता, इस फोन का अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, पहले आपको हमेशा मिलेगा कुछ नहीं हो सकता, हर एक सेंटेंस में मिलेगा कुछ नहीं हो सकता, जो कॉमन होगा। अगर इस प्रकार के कॉमन शब्द कुछ मिलते हैं, ऐसे ही सेम कुछ क्या ही सेम मिलते हैं, तो नथिंग कैन बी आपका प्रयोग कर देना है। चलिए लिख दीजिए पहले नथिंग, कैन बी ऑफ, उसके बाद में तुम्हारा, यू, तुम्हारा तुम्हारी का इंग्लिश आप लोग सोचते होंगे कि होता है मेरे भैया, योर होता है, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है दुनिया का कोई एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव का मतलब होता है अपने साथ नाउन को जोड़ना। इसके साथ कुछ नाउन नहीं जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट काम कर रहा है यू। तुम्हारे दोस्तों का कुछ नहीं हो सकता, मेरे भैया नथिंग कैन बी, उसके बाद तुम्हारे दोस्तों का, देखिए इसके साथ नाउन जुड़ा है, आप, योर फ्रेंड्स, ऑफ योर फ्रेंड्स, छोड़ो उनका अब कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी ऑफ, बाबू उनका, देम ऑफ नाउ, इस फोन का अब कुछ नहीं हो सकता। अगर ये सेंटेंस आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इस सेंटेंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के और बहुत सारा वीडियो बनाता रहूं।